हेलो दोस्तों, सरस्वती ऑडियो बुक्स की तरफ से मैं अर्चना सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर शेड हेल्मस्टेटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें के साथ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें, अध्याय 5, हम विश्वास करना सीखते हैं। हमारे आसपास के लोग बचपन में हमें जो बताते हैं उसका हम पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी से हमारे विश्वास की नींव बनती है, इसी से अपने आसपास होने वाली अधिकांश चीजों और अपने बारे में विश्वास तय होते हैं। मुझे अब भी वह समय याद है जब मैं ग्रेड स्कूल में पढ़ता था। उस समय मैं यही चाहता था कि कोई वाद्य यंत्र बजाकर स्कूल के बैंड का सदस्य बन जाऊं। अपनी क्लास के 10-12 अन्य विद्यार्थियों के साथ मैंने बैंड में शामिल होने का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। मुझे एकदम अपरिचित वाद्य यंत्र देकर बैंड इंस्ट्रक्टर, क्लास टीचर तथा अन्य विद्यार्थियों के सामने बजाने के लिए कहा गया। इसके बाद मुझे वहाँ से भेज दिया गया। मैं जानता था कि मैंने अच्छी तरह नहीं बजाया था। जब लगभग 1 घंटे बाद सभी विद्यार्थियों का प्रदर्शन पूरा हो गया, तब मैंने बैंड डायरेक्टर की बात सुनी। वे क्लास टीचर से कह रहे थे कि मुझे बैंड में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि मुझमें संगीत की कोई योग्यता ही नहीं है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा पाऊंगा। 12 वर्ष के जिस लड़के के दिल में वाद्य यंत्र बजाने की प्रेरणा थी, उसके लिए यह कितनी अविश्वसनीय प्रोग्रामिंग थी। यह प्रोग्रामिंग कारगर रही। मैंने किसी दूसरे की बात सुनी कि मुझमें संगीत की कोई योग्यता नहीं है और मैंने उस पर विश्वास भी कर लिया। मैंने इस तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया कि मुझमें संगीत की प्रतिभा नहीं है और कभी होगी भी नहीं। खैर, बरसों बाद मुझमें इतना साहस आया कि मैं पियानो किराए पर लूं, कुछ नोट्स सीखूं और उन्हें बजाऊं। वह भी तब जब आसपास ये बताने वाला कोई ना हो कि मैं संगीत नहीं बजा सका। उस पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाने में मुझे बरसों लग गए। हालांकि शुरुआत से ही यह सरासर झूठी प्रोग्रामिंग थी। हताशा भरे लगभग 20 वर्षों के बाद मुझे पता चला कि हमारे स्कूल बैंड के डायरेक्टर की बात गलत थी। मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया था। यहाँ इसका विपरीत उदाहरण भी प्रस्तुत है। 6 साल का माइकल अक्सर दोपहर में पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाता था। एक रात वे सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था और सोने जा रहा था। उसे बाहर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई अवश्य दे रहा था। उसी समय वह बुजुर्ग पड़ोसी वहां आकर रुका। उसने अपनी माँ को बताया कि माइकल बहुत रचनात्मक बालक है और आगे चलकर बड़े रचनात्मक कार्य करेगा। छोटे माइकल ने उसकी यह बात सुन ली। दशकों बाद माइक वेंस अमेरिका के सबसे शीर्षित रचनात्मक प्रशिक्षकों में से एक बन चुके हैं और संसार भर के प्रमुख निगमों तथा संस्थानों को व्यक्तिगत परामर्श देते हैं। छोटे से माइकल ने अपने बारे में एक छोटा सा सकारात्मक प्रोग्राम केवल संयोग से सुन लिया था और उसने उस पर विश्वास कर लिया। दुर्भाग्य से हमारी प्रोग्रामिंग प्राय इतनी अधिक लाभकारी नहीं होती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बच्चा इन मासूम लेकिन घातक शब्दों को कितनी बार सुनता है? तुम कुछ नहीं बन सकोगे, या बताया जाता है कि वह खेल है, वह करियर, वह जीवन साथी या वह सपना उसके लिए सही नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सुनने पर हमारे उत्सुक और खुले युवा मन में क्या एहसास होता है या हम क्या विश्वास करते होंगे। दूसरों से मिलने वाली अचेतन प्रोग्रामिंग। हमारी कुछ प्रोग्रामिंग स्पष्ट होती है, वह साफ दिखती है, हमारा ध्यान खींचती है और हमसे प्रतिक्रिया चाहती है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग इतनी स्पष्ट नहीं होती। अधिकांश तो बहुत सूक्ष्म होती है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन संकेतों, निर्देशों, नियंत्रणों, प्रेरणाओं और अपेक्षाओं की अनंत धारा प्राप्त होती है और हमारे आसपास की प्रत्येक चीज संकेत करती है, मांग करती है या हमें राजी करती है। व्यस्त होने के बाद भी हम उन प्रभावों की बाढ़ से घिरे रहते हैं जिनमें से अधिकतर के बारे में हम अनजान होते हैं। हमारे जहाज के असंख्य कप्तान हैं जो हमें अपनी अलग दिशा में अपने अलग उद्देश्यों से निर्देशित करना चाहते हैं, जबकि प्राय उन्हें यह पता भी नहीं होता कि उनके कारण हमारा जहाज भटक रहा है। जब तक आप और मैं दूसरों को अपनी प्रोग्रामिंग करने देते हैं, तब तक बिना किसी शंका के हम अनियंत्रित हैं, किसी अनजान भाग्य की गुलाम और अच्छी तरह यह नहीं पहचानते कि हमारा भविष्य दाव पर लगा हुआ है। समस्या की जड़ खोजने के लिए इतने सारे मनोचिकित्सक अपने रोगियों को बचपन से क्यों ले जाते हैं? वास्तव में हमारे मन में विश्वासों की शुरुआत वहीं हुई थी। डर, सदमा या अपनी पहचान की पकड़, सबसे पहले वहीं आरंभ हुई थी। उन शुरुआती वर्षों से हम में से प्रत्येक ने अपनी एक संयुक्त तस्वीर बना ली है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारी बनाई तस्वीरें वास्तविक थी या नहीं।
परंतु हमारे अनुभव सच के रूप में स्वीकार की गई दूसरों की कही बातें और स्वयं को बताई बातें उस मानसिक प्रोग्रामिंग की बुनियाद बन गई जो आज हमें निर्देशित करता है। बेशक अतीत की सारी प्रोग्रामिंग गलत नहीं होती, उनमें से कुछ बहुत अच्छी भी होती है। हम में से अधिकतर को दूसरों का प्रेम प्यार मिला है और हम में से अधिकतर को समय समय पर सकारात्मक अविश्वास का अनुभव भी हो चुका है। हमारे अभिभावकों ने हमारी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन देकर संतुलित भी किया है। हमारे ऐसे शिक्षक प्रशिक्षक व मित्र रहे होंगे जिन्होंने हमसे सर्वश्रेष्ठ की आशा की। जीवन में हम सभी को समय समय पर कुछ सफलताएं अवश्य मिलती होंगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप से भी हमारे जीवन के प्रोग्राम का केवल एक हिस्सा ही हमारे पक्ष में काम कर रहा है। कल्पना करें कि आप क्या कर सकते हैं, काश आप अपने अवचेतन मन के विपरीत काम करने वाले प्रोग्राम, एक लगभग अवचेतन अचेतन स्वचलित नया प्रोग्राम जो आपके लिए लाभकारी हो, के पार जा सकें और बाधाओं को हटा सकें और आगे आने वाले जीवन का दर्शन कर सकें। एक महिला ने अपना वजन 120 पाउंड कम किया। एक बार मैंने उससे पूछा कि ये वजन कम करने के लक्ष्य में सफल होने पर उसे कैसा अनुभव हुआ। उसने उत्तर दिया, मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे 120 पाउंड चले गए हैं। मैं उसकी खुशी समझ सकता था। जब आप किसी हेल्थ स्पा या जिम्नेशियम में जाएं, तो वेट लिफ्टिंग सेक्शन में जाकर 120 पाउंड वजन उठाने की कोशिश करें। कल्पना करें कि एक दिन के लिए हम आत्मशंका और अविश्वास के सारे अतिरिक्त वजन को हटा दे रहे हैं जिसे हम अपने साथ ढोते हैं। सोते हैं कि सोचें कि इसके बाद आप कितनी तेजी से भाग सकते हैं। सोचें कि यदि बुरी आदतें, पुरानी कंडीशनिंग और आत्मशंका की बेड़ियां अचानक दूर चली जाएं, तो आप कल से ही क्या कर सकते हैं। जैसा आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ तक नहीं लाया हूँ कि इस प्रकार की स्वतंत्रता पाना हमारे लिए असंभव है या हमारी पहुँच से परे है। न केवल स्वयं आपके लिए ऐसी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे व्यवहारिक साधन भी बताएंगे जिनके द्वारा आत्मनिर्देशित मस्तिष्क की स्वतंत्रता आपके जीवन में जीवन के प्रत्येक दिन का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। सारे आवश्यक उपकरण आपके पास पहले से मौजूद हैं। आप हर उस चीज के साथ पैदा हुए जिसकी आवश्यकता आपको असाधारण और सार्थक जीवन जीने के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में क्या सोचा या किया। यदि आप चुनाव करें तो आज के बाद बहुत सारे लाभ पाने के लिए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आपका व्यक्तिगत ऑन बोर्ड कंप्यूटर, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि हम में से प्रत्येक को जितनी प्रोग्रामिंग मिली है उसमें से कितनी गलत है। शायद हमारे अवचेतन मन में जो भी चीज दर्ज और एकत्रित होती है उसका 75% हमारे लिए हानिकारक होता है और हमारे विरुद्ध काम करता है। संक्षेप में हमारी प्रोग्रामिंग इस प्रकार होती है कि हम सफल ना हो सकें। चलिए मान लेते हैं कि मैं आज शाम को आपको फोन करके बताता हूँ कि मैंने अभी अभी यूरोप जाने के लिए एक जेट एयरलाइन को चार्टर किया है और मैं आपको तथा आपके परिवार या मित्रों को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हम सभी 2 सप्ताह की छुट्टियाँ मनाने के लिए यूरोप की ओर उड़ान भरने वाले हैं। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन मान ले कि हवाई जहाज पर चलते समय आप नेविगेटर और पायलट की बातचीत सुन लेते हैं। नेविगेटर पायलट को बता रहा है कि विमान को उड़ाने वाले ऑनबोर्ड कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग गलत है। इसकी प्रोग्रामिंग इस प्रकार निर्धारित की गई है कि विमान को नियंत्रित करने हेतु दिए गए 75% निर्देश इसे गलत दिशा में ले जाएंगे। यदि आपको यह पता चल जाए कि विमान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग गलत है तो आप क्या करेंगे? आप विमान से उतर जाएंगे। आप निश्चित रूप से किसी खराब कंप्यूटर प्रोग्राम वाले विमान में नहीं बैठना चाहेंगे। आप जान पाएंगे कि विमान 2 में से 1 काम करेगा, या तो वह गलत जगह उतर जाएगा या दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। हम में से अधिकांश लोगों के पास ही किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है। कोई हैरानी नहीं है कि चीजें काम नहीं करती, कोई आश्चर्य नहीं कि सब सपने देखते हैं, कोई आशा नहीं। आशा करते हैं, कोशिश करते हैं, जूझते हैं, काम चलाते हैं, लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं और असफल हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम जीवन से अधिक पाना चाहते हैं, अधिक समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं या कुछ लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसमें सक्षम नहीं होते। हमारे पास गलत प्रोग्राम है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर की पूर्व प्रोग्रामिंग हमें रोक रही है। क्या आप किसी बुरे प्रोग्राम के साथ जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपना शेष जीवन सचमुच किसी ऐसे प्रोग्राम के सहारे गुजारना चाहते हैं जिसे आप नहीं चाहते? आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं को मिली किसी भी परिस्थिति को हटा सकते हैं। आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से की प्रोग्रामिंग को मिटा सकते हैं। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता
पड़ता कि आप अतीत में कौन, कहां, क्या, क्यों या कैसे रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने बारे में क्या विश्वास किया या दूसरों ने आपके बारे में क्या विश्वास किया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने कैसी परिस्थितियां उछाल कर आपकी झोली में डाल दी। अब आप स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। आप दोबारा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप पुरानी नकारात्मक, हानिकारक, अपने विरुद्ध काम करने वाली प्रोग्रामिंग को मिटा सकते हैं और उसकी जगह एक स्वस्थ, नई, सकारात्मक व उपयोगी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यह आसान है। मिटा दें और बदल दें। आपको तो केवल एक चीज सीखनी है, स्वयं से चर्चा। यदि हम अपनी प्रोग्रामिंग बदल कर अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदल लें तो हम में से अधिकतर लोगों के जीवन को जूझने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हमारी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग हमें नीचे घसीटे या पीछे रोके रखे। यदि हम अपने मन को विशिष्ट, उत्पादक, नई दिशाएं देना सीख लें तो हमारे पास अवसर है कि हम चीजों को कारगर बना दें और कारगर बनाए रखें। जब मैंने ये जान लिया कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं तो मैंने पहली बार उन 1,48,000 नकारात्मक बातों, शंकाओं और विध्वंसक अविश्वासों की दीवार में एक दरार देखी। मुझे विश्वास हो गया कि जो हमें पीछे से रोक रहा है वह पराजित कर रहा है, उसे भी पराजित किया जा सकता है। मुझे एक एहसास होने लगा है कि एक रोमांचकारी तथा नया भविष्य प्रत्येक उस व्यक्ति को मिल सकता है जो दीवार के पीछे खड़ा हुआ है और उसे पार करने की प्रतीक्षा कर रहा है। उस दीवार को तोड़ने का निर्णय लेना कितना रोमांचक है। हम में से कोई भी यह कार्य कर सकता है। एक बार जब हम उस दीवार की वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो उसके बाद हम उसके पार भी जा सकते हैं।